को पढ़ना है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहते हैं वोल्केनो, तो पहले पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं, क्या है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्या है भूमिका तो पढ़नी पड़ेगी, बिना भूमिका के कैसे बताएंगे। अब डायग्राम लिख देगी ज्वालामुखी पर्वत, ये इसको याद कर लीजिएगा, और ये चीज़ इसमें से निकलती है, ये चीज़ बहती है, बात खत्म हो गया। लेकिन क्या उसकी पूरी भूमिका को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये दूसरा एपिसोड होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने पहले पढ़ा था आपत्य स्रोत। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्य स्रोत, जिसमें पहला आता है ज्वालामुखी, दूसरा पढ़ेंगे भूकंप। वैसे किताबों में पहले भूकंप देता है बाद में ज्वालामुखी देता है, लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, हम पहले पढ़ेंगे ज्वालामुखी बाद में पढ़ेंगे भूकंप, उल्टा करना भी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी अगर पहले देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना, जैसा कि आपको खुद स्पष्ट हो रहा होगा, ज्वाला, ज्वाला माने पानी, आग, अच्छा जानते हैं आप लोग, ज्वाला माने आग, मुख माने थोबड़ा, आग निकलने वाला थोबड़ा मतलब आग निकलने वाला मुंह। ठीक, जिस मुख से आग निकले उसे क्या कहते हैं, ज्वाला, माने मुख से निकलने वाले आग को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शब्दों से मिलकर बना। जबकि इटली में एक मान्यता है कि एक वोल्कन एक देवता थे, सिसरी द्वीप पर उन्होंने क्या किया, एक भट्टी लगा दिया, और वह भट्टी बाद में क्या बन गई, ज्वालामुखी बन गई, ऐसा मान्यता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब उत्तप्त मैग्मा अर्थात लावा पृथ्वी को कष्ट को तोड़कर बाहर निकल जाए, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। जिस मुख से निकलता है उसे क्रेटर या कैल्डेरा कहते हैं, जहाँ से निकलता है उसे गर्दन कहते हैं, ठीक, और जहाँ से अंदर से आता है उसे मैग्मा कहते हैं, तोड़कर जब बाहर निकलता है फिर देखेंगे क्या क्या कहा जाता है। इस प्रकार जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उत्तप्त मैग्मा नीचे से ऊपर लावा के रूप में बाहर निकलता है, और उसी के जमने से चट्टान का निर्माण होता है। जब उत्तप्त लावा क्रस्ट पर तैरता हुआ जाता है उसे लहर कहते हैं, क्या कहते हैं, लहर कहते हैं, और उसके लहर के ठंडा होकर जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी चट्टान को ही हम लोग बाद में आग्नेय शैल कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और यह भी मान्यता है उसे प्राथमिक शैल कहते हैं, कि पृथ्वी पे पहली चट्टान उसी की बनी थी, ये सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ था जिस कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन फैला हुआ था। तो इस प्रकार पूरे पृथ्वी पे जो पहली चट्टान बनी थी वो ज्वालामुखी पर्वत से बनी थी, ज्वालामुखी के लावा से ठंडा होने से बना था। फिर आगे पढ़ते हैं, जब पृथ्वी पे काफ़ी लंबे समय तक लंबे दूरी तक दरार बन जाता है, गैप बन जाता है, उससे उत्तप्त मैग्मा बाहर निकलता है, कई हजार किलोमीटर फैल जाता है, उसे कहा जाता है दरारी उद्भेदन। और दरारी उद्भेदन में क्या होता है, लावा का जमाव पृथ्वी पे कई किलोमीटर तक हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी का जो लावा है वो विस्तार रूप में फैल जाता है, उससे बाद में पठारों का निर्माण होता है, जैसे आपके सिलेबस में होगा पठार, पर्वत होगा, ज्वालामुखी पर्वत भी बनते हैं। ये टॉपिक जो पढ़ाएंगे हम सब इंक्लूड करते हुए चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, सिलेबस से बड़ा बड़ा लिखा होगा फलाना ढिंकाना ऐसे से लिखा रहता है ना, हम लोग क्या करेंगे सबको जोड़ते हुए। हमने ये देखा कि पृथ्वी के कष्ट को तोड़कर जब उत्तप्त मैग्मा बाहर आता है, ये उत्तप्त मैग्मा किस खेते की मुरई है नहीं पता, किस खेत की मूली है ये उत्तप्त मैग्मा, किस खेत की मूली है ये उत्तप्त मैग्मा और लावा में क्या अंतर, लावा जो पॉपकॉर्न होता है, लार्वा तितली का, अब ये बायो वाले समझेंगे लार्वा कह रहे हैं, इससे अंडे से बाद में तितली, जैसे घर से बाहर चलिए देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में तरल रूप में जमा पदार्थ, तरल रूप में जमा पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, चलिए आप चलते कहीं घूम आते हैं, कहीं कोचिंग का ट्रायल लेते हैं, उस उद्देश्य से जब वो बाहर निकलता है, घर में रहता है तो एक लड़का लड़की रहेगा, फिर बाहर निकलेगा तो एक अभ्यर्थी हो जाएगा, कोचिंग पहुँचेगा तो टटकी आया, सुपर टटकी लिए पढ़ने आया, ठीक। तो जैसे ही
ये अपने स्थान पर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे मैग्मा अपना स्थान छोड़कर ऊपर बढ़ता है उसमें तमाम अशुद्धियां मिल जाती है, इसे हम लावा कहते हैं। जब तोड़कर बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यही लावा जब अंतर रहता है उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मैग्मा कहते हैं। तो समझ में आया आपको अंतर मैग्मा और लावा में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैग्मा बाहर आया, कुछ लोग कहते हैं लावा बाहर आया। अब आपको समझ में आ गया होगा लावा और मैग्मा कहाँ से निकलता है। ये जब पृथ्वी में किसी छिद्र से इसका रिसाव होता है या इसको उद्भेदन करके बाहर निकलता है तो कहते हैं लावा का रिसाव हो रहा है। रिसाव माने टपकना, चूना, लेकिन विस्फोट के साथ निकलता है। ठीक, अब एक डायग्राम बना लेते हैं फिर आप लोग देखते हैं। डायग्राम बनाए तब तक रोक दें इन लोग को। चलिए, हमने ये देखा, सामने आपके दिखाई दे रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि एक ईंट भट्ठा बना हुआ है, ईंट भट्ठे की चिमनी से धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, पर आपने ईंट भट्ठा देखा हुआ होगा, ऐसे चिमनी होती है पतली सी लंबी सी, या कोई बीड़ी या सिगरेट पीता होगा तो ऐसे धुआं निकलता है, ऐसे दिख रहा होगा। लेकिन वास्तव में ये मैंने ज्वालामुखी बनाया है। क्या बनाया है, ज्वालामुखी बनाया है कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, कैसे विस्फोट होता है, किस तरह से उत्तप्त लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। अंदर जमा हुआ जो पदार्थ होता है ठोस रूप में, इसे हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा जब पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है, और जहाँ विस्फोट होता है जहाँ से उसे कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, जहाँ से निकलता है उसे ज्वालामुखी मुख कहते हैं। उस ज्वालामुखी मुख को कई भागों में डिवाइड करते हैं, जहाँ से ये धारा निकल रही है लावा की इसे कहते हैं ज्वालामुखी नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ज्वालामुखी नली कहते हैं। और जिस छिद्र से निकलता है, जिस छिद्र से ये लावा बाहर निकलता है उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। कभी कभी विस्फोट होने के बाद या क्रेटर और बड़ा हो जाता है या क्रेटर और चौड़ा हो जाता है, इसी क्रेटर को हम फिर कहते हैं कालडेरा। क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। माने क्रेटर ही बड़ा हो जाता है तो कालडेरा कहते हैं। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, यहाँ से जो निकास नली, जहाँ से ये मैग्मा नली से बाहर निकलता हुआ आता है, कभी किसी कंडीशन में यहाँ जम जाता है। जमने के बाद अभी आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, तो ठोस हो जाता है। तो ये ऊपर क्या बन जाता है, एक गहरा खाई। इस गहरे खाई में जब वर्षा होता है तो वर्षा का जल संचय होता है। वर्षा के जल संचय होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, झील बन जाता है। इसे कहते हैं क्रेटर झील। कौन सी झील कहते हैं, क्रेटर झील। क्रेटर झील की एक खासियत और होती है, क्या होती है, जैसे इसे कुछ लोग को एक बीमारी हो जाती है, इसे कहते हैं चर्म रोग। चर्म रोग जब हो जाता है तो कुछ लोग झीलों के नाम बताते हैं कि फला जगह नहा ले तो हर जनों खुजली उजली खत्म हो जाए, खजुआत खजुआत जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा लोग कहते हैं खुजली वगैरह की। तो इसके जल में गंधक तुतिया की मात्रा अधिक होने के कारण जब आप क्रेटर झील में नहाते हैं तो आपको चर्म रोग ठीक हो जाता है। लेकिन धर्म के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को झील बता के वहाँ पर नहवा देते हैं, और नहवाने के बाद कहते हैं ठीक हो गया। ठीक होने के लिए इसमें क्या होती है, क्रेटर झील में गंधक तुतिया की मात्रा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे नहाने चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जिसको दिक्कत होगी तो जाके नहा लेगा। ठीक, कील मुहासा ये सब किसी प्रकार की समस्या होगी तो जाके नहा लेंगे, खुजली उजली समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक, कई जगह भी बताएंगे कहाँ कहाँ है, जाइएगा कमाइएगा, फिर 40,000 रुपये अध्यापक होने के बाद कहाँ खर्चा करिएगा, यहीं सब जगह जाइएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जब ज्वालामुखी फूटता है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, क्या निकलता है बताइए। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, धूल कण और जलवाष्प। क्या निकलता है, धूल कण और जलवाष्प और गैस, ये सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये दिखता है राख के बादल, और राख के बादल में क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, गैस होता है, जलवाष्प होता है, इसे क्या कहते हैं, राख के बादल। ये कितने खतरनाक होते हैं ये वही बता सकता है जो घर में रोटियां बनाते समय फूल जाए उसमें अपना उंगली चोंक दे, रोटी फूल जाए जाए उसमें उंगली डाल दीजिए, उतने खतरनाक ही होगा। अभी हुआ है हाँ, कैसा होता है, कैसा लगता है, पांच उंगली डाल दीजिए कभी जो है लगाइए, पांच उंगली डाल दीजिए कैसा होता है, रोटी पूरा फूल जाए तब। तो
चलिए तो यही कंडीशन यहाँ भी होगी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है इसमें भी, छोटा टपक, सिपली, कई नामों से ब्रोमिया, कई नामों से को जाना जाता है, बसाल्ट, वो सब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोग को पीसेस तो बनना नहीं है, आप लोग को प्राइमरी का एक मामूली मास्टर बनना है, सहायक अध्यापक ने बनना है, ये सुपर डेड सिलेबस में उसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ये बीच में डिजाइन दिख रहा है, इसकी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए हमने यहाँ से सब क्रीम पाउडर लगा दिया है। ठीक, क्या लगा दिया, क्रीम पाउडर, ये सारा सिस्टम इसको लगा है ना। जब पहली बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये पहला परत निकला, ठंडा हुआ फिर दूसरा परत, फिर ये तीसरा परत, ये चौथा परत है, ये क्रीम पाउडर नहीं है। ठीक, ये क्या है, इसके परत दिखाई दे रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद ये राख की नली पत कर रहे हैं और ये उद्गार होने के बाद ये लावा का प्रवाह दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रही है, लावा का प्रवाह है, देख रहे हैं, ये पूरा प्रवाह है लावा का। ठीक, और ये क्या है, परतें। इस प्रकार से लावा शंकु का निर्माण होता है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं या ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तब कभी कभी क्या होता है, ये नली जाम हो जाती है, तो क्या होगा, नली जाम होगी तो जब बहुत तेज छींक आती है कभी कभी सर्दियों के समय में, तो नाक कहाँ से बाहर फेंकेगी, मुंह की जगह, तो यही कंडीशन यहाँ भी होती है। जाइए दैनिक जीवन में वैसे जैसे आपके साथ यहाँ भी होता है, अब ये फूल हो जाएगा तो जगह तलाशेगा, तो जहाँ से कमजोर मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ कमजोर इसको मिल गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से तोड़कर बाहर निकले और यहाँ पे क्या करे, ज्वालामुखी शंकु का इस तरह से क्या करेगा, ये इसे कहेंगे दाया ज्वालामुखी शंकु। ठीक, कौन सा, इसी तरह से बाएं होगा तो बाया ज्वालामुखी शंकु या पर्वत कह रहा है। इसमें भी क्रेटर ज्वालामुखी नली होगी, क्रेटर बड़ा होगा कालडेरा। ठीक, इसको थोड़ा सा बना लीजिए एक बार डायग्राम। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, कैसे उत्तप्त मैग्मा बाहर निकलता, इन सभी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। अब फिर देखने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये नली उली जाम हो जाती है, इसी प्रकार के भूकंप पड़ेंगे, जागृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद लगातार उसमें से लावा सदैव निकलता रहता है, उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक बार उद्गार होने के बाद फिर अचानक जो है कभी यदा कदा 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल फिर उद्गार हो गया, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक होता है शांत ज्वालामुखी, एक बार का बेचारा उद्गार हो गया तो कई साल तक, मतलब पूरे जीवन काल तक दोबारा लावा का उद्गार, तो ज्वालामुखी भी तीन प्रकार का होता है। वैसे देखेंगे तो विस्फोट के आधार पर, लावा के आधार पर, मैग्मा के आधार पर, पर्वत के आधार, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना आपको पढ़ना थोड़ी ना, क्या बनना है, प्राइमरी का एक अच्छा सा अध्यापक, अच्छा सा अध्यापक, हर बार एक का स्लोगन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बढ़िया अध्यापक बनना है, तो पढ़ाई के समय थोड़ा सा इस तरह से नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगी। तो ये हमने देखा किस तरह से हमारे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज्वालामुखी की नली जाम हो जाती है तो अंदर ही जमने लगते हैं, तो अंदर जब यह लावा जम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, चट्टान का निर्माण होता है। इसके जमने से क्या होता है, चट्टान का, तो बाहर जो जमता है उससे अलग प्रकार की चट्टान, अंदर जो जमता है उससे अलग प्रकार की चट्टान, अंदर जो जमता है सीधा डाइक, सील, सीट, बैकोलीथ, फाइकोलीथ, लैपोलीथ, इन सभी प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे आकार बदल गया, नाक टेढ़ा हो गया दूसरा नाम, नाक चिपटा था ना चिपटा, जैसे होते बोलते हैं ना, इसे जैसे होता है बनावट के आधार पर, तो उसी बनावट के आधार पर उन्हें चट्टानों के अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आग्नेय शैल का निर्माण लावा के ठंडा होकर जमने से होता है, माने गल उत्तप्त लावा के ठंडा होकर जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय शैल अपने आप दो प्रकार के होते हैं, कौन, बहिर्वेदी, अंतर्वेदी, बहिर माने कम सुनने वाला नहीं, बाहर, हाँ, अंतर वाला, तो दो प्रकार चट्टान बनेगा, एक तो क्रस्ट के बाहर, एक क्रस्ट के, फिर दोनों में अंतर होगा। अब आपको बहुत तेज से भूख लगी है,
आपने बढ़िया दाल बना के रखा है, अब दाल निकाल कर अपने प्लेट में रख लीजिए और एक उसमें पैक कर दीजिए, कुकर बंद कर दीजिए, आधे घंटे बाद दोनों दालों खाइए, कौन ठंडा रहेगा? 15 मिनट बाद क्यों? ढेर सारा संख्या ज़्यादा है, अब कोयला भीड़ में रखिए, कोयला ढोलक निकाल रख दीजिए, कौन पहले राख बनेगा? सिंगल वाला कोयला रख जला दीजिए, उसमें से कोयला बाहर रख दीजिए, यही कंडीशन है। ऊपर जो उत्तप्त मैग्मा बाहर आता है, वर्षा होगा, धूप खिलेगी, छांव होगा, हवा चलेगी तो जल्दी ठंडा होगा, नीचे वाला धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ऊपर जो चट्टान बनेगा वो जल्दी जमेगा और नीचे वाला, तो जल्दी जमने की वजह से ऊपर वाला रवि विकसित नहीं हो पाते, अंदर वाले में रवि विकसित हो जाते हैं। इनके नाम बाद में पढ़ेंगे, क्या है, कौन है, कैसे हैं। तो इसी क्रम में आज ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगले दिन से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपच हो जाएगा, छींक उक भी आने लगेगी, तो फिर पता चला ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होना शुरू हो गया, उपशंकु कहते हैं इसे, ठीक, क्या कहते हैं, मतलब बाहर से इधर से इधर जगह इधर से निकल जाएगा, ठीक, समझ में आ रही ना, अच्छी गाय तो इधर से निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के साथ भी ऐसा होता है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि अपच हो जाएगा, इसका डायग्राम को आप बना लीजिएगा, फिर जहाँ कमियाँ लगेगा मुझे बताइएगा, इसका नाम वोल्केनो है, फिर देखेंगे ज्वालामुखी का वितरण कैसे है पृथ्वी पर, फिर इसके बाद भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि पृथ्वी के आंतरिक स्रोत का पता ऐसे कैसे चलता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है जो उसका लावा जमकर ठंडा होता है, उसका अध्ययन करके हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी अंदर कैसा है, पृथ्वी अंदर कैसा, कैसे, इसके लावा के अध्ययन करके, अंदर का लावा का अध्ययन करके, ऊपर का लावा अध्ययन करके, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने में यह प्रत्यक्ष स्रोत की भूमिका अदा करते हैं या निभाते हैं, कौन, ये ज्वालामुखी, इसलिए इसलिए यह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करने के डायरेक्ट सोर्स हैं, प्रत्यक्ष स्रोतों में से एक है। लेकिन हमें यही नहीं पढ़ना था, हमें इसके आगे भी पढ़ना है, ज्वालामुखी जब आ गया तो ज्वालामुखी सारे कॉन्सेप्ट को हमें आपको पढ़ना होगा, ठीक। इसी क्रम में हम लोग लगातार आगे पढ़ेंगे, इनकी सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर एक एक कदम आगे चलते रहेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कर भी दीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश। अच्छा, टेलीग्राम के मिसलिए कहते हैं, कभी कभी हम वीडियोज अपलोड करते हैं तो यूट्यूब ट्रैफिक की वजह से उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता, तो उसकी नोटिफिकेशन अगर फ्री वीडियो है तो आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, पेड है आपको पेड पे मिल ही जाएगी, और फेसबुक पेज इलेनी विदुर्गेश भी आप दे सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह इलेनी विदुर्गेश, आप कहीं भी खोजेंगे हमारी पूरी टीम आपको सदैव हर जगह मिल जाएगी। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इसी तरह से ये एपिसोड जारी रहेगा, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी समय, ठीक, इंतजार करिएगा कल तक का, ठीक, और अपना बेहतर दीजिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, समझिएगा इस डायग्राम को, और चीज़ें समझाई जा सकती थी लेकिन हमने आपको यहाँ तक समझाने का प्रयास किया, मुझे लगा ये चीज़ें बेहतर है। फिलहाल आपको आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, सिलेबस समझ जाइए, कंटेंट पर जाइएगा और अपने सिलेक्शन पर जाइएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए, इधर उधर भटकिएगा मत, क्योंकि सिलेक्शन का जो दायरा होता है वो चंद नंबरों का होता है, पढ़ने से कोई सेलेक्ट होता तो यहाँ एक से बढ़कर एक पढ़ाकू पढ़े हैं। वास्तव में पढ़ने के साथ साथ चतुराई, रणनीति और मेहनत और सकारात्मक सोच की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, आपकी आगामी परीक्षा की बेस्ट ऑफ लक।